हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी टेलर। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि ब्यूटीफुल गर्ल्स टॉप कैसे सिला जाता है। तो हमने गर्ल्स टॉप सिलने के लिए कपड़ा ले लिया है। अब कपड़े की लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे हम। तो हमारी लंबाई 17 इंच है। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं हम। तो चौड़ाई 26 इंच है। तो ये हमारी टॉप की लंबाई और चौड़ाई। अब इसे इस सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बेबी टेलर को, और सबसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बगल में घंटा दबाकर आल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कीजिए। तरीके से हम फोल्ड कर ले। और कट कर ले। कट करने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें। और ये जो हम टिक लगा रहे हैं इस तरीके से, ये आस्तीन का टिक है। तो याद रहे फ्रेंड, इसे इस तरीके से टिक लगाना है और इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड, हमने टॉप का कटिंग कर लिया है, टॉप का आस्तीन का कटिंग। अब हम 8 इंच का इलास्टिक लेंगे और उसे गले के साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करके इलास्टिक पे सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। इलास्टिक को घिसते रहें और इस पे सिलाई चला दें, जिससे चूनट बन जाएगी इस तरीके से। ये हमारा गले का साइड है और इसी तरीके से हम दूसरा भी कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो चुका। अब हम आस्तीन का कटिंग करने के लिए कपड़ा लेंगे। हमने आस्तीन का कटिंग करने के लिए कपड़ा ले लिया है। उसे इस तरीके से फोल्ड करके हमने जो आस्तीन का कटिंग किया था टॉप में, उसे इस तरीके से फोल्ड करके नाप ले लें और उसे ऐसे नापे आस्तीन के कपड़े पे और टिक लगा के उसे कट कर लें। अब इसे कट कर लें। अब हम आस्तीन की लंबाई नाप लें। हमने आस्तीन की लंबाई 11 इंच ली है और हम 11 इंच पर टिक लगा के कट कर लें। तो फ्रेंड, हमने कट कर ली है। अब इसे साइड से भी कट कर लें। अब हम आस्तीन का कपड़ा लें। आज जिस साइड से हमने आस्तीन की कटिंग की है, उस साइड से हम चूनट इस तरीके से बना लें और उसकी सिलाई कर लें। इस तरीके से चूनट की सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरा भी कर लें। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा चूनट भी कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे साइड से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई चला लें। इसी तरीके से दूसरे आस्तीन पे भी हम सिलाई चलाएंगे इस तरीके से फोल्ड करके। तो फ्रेंड, हमारा दोनों आस्तीन की सिलाई हो गई है। अब एक छोटा सा कपड़ा लें और इस पे आस्तीन की चूनट के साइड हम इस तरीके से लगाएं उल्टे साइड में और उस पे इस तरीके से सिलाई चला लें। और बचे हुए कपड़े को कट कर लें। फिर इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें और उस पे सिलाई चला लें।
इसी तरीके से दूसरे आस्तीन पे भी हम छोटा सा कपड़ा लगाकर सिलाई कर लें। तो फ्रेंड हमारा दूसरा आस्तीन भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने टॉप की सिलाई की थी अब उसमें आस्तीन जोड़ लेते हैं। तो हम आस्तीन ले लेते हैं और उसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड हमने एक साइड का आस्तीन जोड़ लिया। अब दूसरा टॉप का कपड़ा जोड़ेंगे। अब इस टॉप में अब दूसरा आस्तीन का कपड़ा जोड़ लें। इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं जिससे हमें परेशानी नहीं होगी। अब दूसरे साइड से जोड़ लें। तो फ्रेंड हमने आस्तीन जोड़ लिया है। तो फ्रेंड हमने इस तरीके से आस्तीन जोड़ा है। अब एक लंबा सा कपड़ा लेंगे हम, उसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पर सिलाई चला लेंगे हम। तो हमें चूनट बनाने के लिए लंबा सा कपड़ा चाहिए। आप जितना लंबा कपड़ा लेंगे उतना ही अच्छा चूनट बनेगा। तो उसकी सिलाई कर लेंगे हम एक साइड से। तो फ्रेंड हमारा एक साइड से सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे साइड से सिलाई करेंगे केवल इस तरीके से फोल्ड करके। तो फ्रेंड हमने दूसरे साइड का भी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें इस तरीके से चूनट बनाएंगे। फ्रेंड इसमें चूनट आप जितना घना बनाएंगे उतने ही अच्छा लगेगा। तो हो सके तो आप चूनट घना बनाइएगा। इसी तरीके से चूनट बना लें। तो फ्रेंड हमारा चूनट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड ये हमारा चूनट है जो हमने बनाया है। अब जो हमने टॉप सिला था उसके गले पे लगा ले हम। गले के चारों तरफ लगेगा ये। तो हम आस्तीन से शुरुआत करेंगे। तो अब हम आस्तीन से शुरुआत करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से लगाकर इस पे सिलाई कर लें। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। इसी तरीके से गोल शेप में हम पूरा चूनट लगा लें। फ्रेंड हमारे गले का चूनट कंप्लीट हो चुका। अब इस चूनट को जोड़ने के लिए हम अब सिलाई को इस तरीके से निकाल लें और इसे इस तरीके से इसे जोड़ लें और इस पे सिलाई चला लें दोनों तरफ से। इसे पकड़कर दोनों तरफ से सिलाई चला लें।
और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लें। अब जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था वहाँ पर सिलाई चला लें। तो फ्रेंड हमने गले पे चुन्नट लगा लिया है। तो फ्रेंड हमारा गले का चुन्नट बन चुका है। तो फ्रेंड हमारा गले का चुन्नट इस तरीके से बना है। अब हम आस्तीन पे लास्टिक लगाएंगे, तो आप अपने अनुसार लास्टिक ले लें अपने बाजू के अनुसार और इस तरीके से आस्तीन पे लगा लें और रबर को घिसते रहें इस तरीके से, जिससे चुन्नट बन जाए। और इसी तरीके से हम दूसरे बाजू में भी लगाएंगे। तो फ्रेंड हमारा ये बाजू कंप्लीट हो चुका। तो फ्रेंड हमारा दूसरा बाजू भी कंप्लीट हो चुका। अब बाजू के साइड से एक साइड से हम कमर को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम कमर पे भी सिलाई चला लेंगे। अब जो कमर का नीचे का साइड है उसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड इस पर हम सिलाई चला लेते हैं। तो फ्रेंड हमने कमर पे सिलाई चला ली है, हमारा ये लाइन कंप्लीट हो चुका। अब जिस तरीके से हमने बाजू पे लास्टिक लगाया था उसी तरीके से हम कमर पे भी लगाएंगे। आप अपने कमर के नाप के अनुसार प्लास्टिक ले लें और इस तरीके से उसे लगा लें। लास्टिक लगाते समय इसे इस तरीके से लास्टिक को घिसते रहें, जिससे हमारा चुन्नट अच्छा बनेगा। आप लास्टिक को जितना घिसेंगे उतना ही अच्छा चुन्नट बनेगा। तो फ्रेंड हमने कमर पे लास्टिक कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा लास्टिक कंप्लीट हो चला। अब जिस तरीके से हमने बाजू की सिलाई की थी कमर के साइड से, उसी तरीके से हम इस साइड भी कर लें, बाजू से लेकर कमर तक की सिलाई। तो इसे इस तरीके से बराबर पकड़ के उस पर सिलाई कर लें। तो फ्रेंड हमारा टॉप कंप्लीट हो चला। अब इसे हम सीधा करके देखेंगे कि हमारा टॉप कैसा बना है। तो फ्रेंड हमारा टॉप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा टॉप कैसा लगा आपको।